अगस्त 9, मौसम साफ है। आज पहली बार मुझे पता चला समुंदर कैसा होता है। समुंदर नीला होता है और वो बहुत बड़ा है। मैं वहाँ एक दिन जरूर जाऊंगी और वो भी मिस्टर कैचिरो के साथ। मैं तैरने की पूरी कोशिश करूंगी, वो जरूर मेरी तारीफ करेंगे। मैं उन दिनों के इंतजार में हूँ। Hey, flower! इससे यहां कौन छोड़ गया? इसकी अभी तक 3 लाख यूनिट बिक चुकी है, वो भी काफी कम दामों पे। ये ठीक नहीं हो सकती, ये बहुत पुरानी है और इसके पार्ट भी मिलना मुश्किल है। सही में? ये लो, ये पेरेंट्स के लिए ट्रैश स्टिकर है। रुको, स्टिकर के 200 येन हुए। अभी सुबह हो रही है। तुम? हाँ हाँ, ये जल्दी बन जाएगा, प्लीज बैठ जाओ। सच में एक कचरे के ढेर से? मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। क्या तुम्हें अपने पुराने मास्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं। मेरा नाम क्या है? ये कैसा है? क्या तुम ये पढ़ना नहीं जानते? हाँ, तो ठीक है। मेरा नाम फ्लावर है ना? तुम बहुत स्लो हो। तुम्हारा नाम क्या है? कैचिरो। कैचिरो? प्लीज खा लो केचिरो। मिर्ची, अरे जल गई रे।
14 जुलाई, आज भी आसमान साफ है। आज से मैं मिस्टर कैचिरो के घर का हिस्सा हूँ। तुम्हारी ट्यून सही नहीं है। लगता है मिस्टर कैचिरो घर पे अकेले रहते हैं। एक स्टूडेंट, शायद अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है। वाह! है ये रूम पहले से साफ है। ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा धूल है। ये क्या है? ये रो रहा है। हाँ, ये रो नहीं रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट को गिटार कहते हैं। इससे उस एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट से आपका मतलब म्यूजिक से है? हाँ। सही में मिस्टर कैचिरो को भी म्यूजिक पसंद है। इसे बजाओ ना प्लीज। मैं आपके साथ गाऊंगी। चलो अभी बाहर चलते हैं, मेरे पीछे आओ। हाँ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जल्दी करो वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। ओके। ये शहर कितना सुंदर है ना? मिस्टर फ्रॉग, गुड आफ्टरनून। ये कितना अजीब है। आपका स्वागत है। ये लो, तुम कोशिश करो। ओके। कितने का है ये? 315 जेन का। 300? ये पैरेंट काफी पुराना है, तुम्हें इसे बदल देना चाहिए। ना, वो मैं से भी बदलना नहीं चाहता। स्वागत है। टमाटर और क्यूकम्बर, इनके 420 हुए, 580 यें वापस देना। सही कहा, ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये मुझे दो। देखो, इसे पैसे कहते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना काम अच्छे से करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर से वही खाना? हाँ, हाँ, मेरा मतलब हमने सुबह भी यही खाया था। I'm sorry, मेरी मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रही थी। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं रहता, इसलिए मिस्टर कैचिरो ने मुझे ये चीज खरीद के दिया। हर दिन जो हुआ वो तुम इसमें लिखना ताकि तुम कुछ ना भूलो। ओके। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ दोस्त भी बनाए, ये समर ऑसम था। सब इधर देखो। हाँ ठीक है, दूसरी तरफ से करो। फ्लावर, ऐसे नहीं, ऐसे करो। ऐसे? हाँ, अपने हाथों को सीधा रखो, बहुत अच्छे। ओ, तो तुम उस अजीब से लड़के के साथ रहती हो? क्या मतलब अजीब? सचिन के घर के पास एक अजीब सा लड़का घूमता रहता है। मिस्टर केची तो अजीब नहीं है। पर वो, इसने सही कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वहाँ पर काफी बुरा इंसिडेंट हुआ था। ये सब लोग कौन है? मेरा परिवार, ये लोग पहले मेरे साथ ही यहाँ रहते थे। ओ, अब वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो कहीं चले गए? वे भगवान के पास। वो
गॉड के पास है। ये अमेजिंग है। मिस्टर कैचिरो कितने मिस्टीरियस है। क्या हुआ मिस्टर कैचिरो? नहीं कुछ नहीं। पर वो मेरे साथ काफी अच्छे से रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस घर में आ पाई। 19 जुलाई, आसमान साफ है। हम दोनों आज शहर के सबसे बड़े बर्थ हाउस में गए। मैंने सोचा मैं आपको नहला दूं। बेवकूफ तुम! July 22, आज मैंने खुद ही शॉपिंग की। आज मैंने मिस्टर कैचिरो को तरबूज के बीज फेंकने में हरा दिया। 25 July, मैंने साइकिल चलाने की प्रैक्टिस की। 29 July, आज भी बहुत मजा आया। 31 July, मजा आया। 5 August, मजे। मेरी मेमोरी काफी ठीक हो गई है मिस्टर कैचिरो के लिए। 9 August, आज फेस्टिवल है। शहर में बहुत सारे लोग आए हैं। ये क्या है? प्रार्थना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सिरिन में ऐसे ही भगवान से विश मांगते हैं। अच्छा। I wish humans or God close friends होते। अगर कोई पेरेंट ये विश करे तो क्या गॉड वो सच कर देंगे? मिस्टर कैचिरो, हाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये क्या है? कैचिरो, आप इनको जानते हो? हाँ सही कहा। एक पेरेंट, तुझे क्या हो गया है? हाँ, मैं पहली बार मिस्टर कैचिरो के दोस्त से मिल रही हूँ। दोस्त का तो पता नहीं, पर हम पुराने बैंडमेट जरूर हैं। बैंड? चलो चलते हैं। मिस्टर कैचिरो, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। जैसे जैसे गर्मियाँ पास आती जा रही है, सोनन बीच की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आपको ये जगह कैसी लगी? या जगह काफी अच्छी है। हाँ, वो एक समुंदर है। ओ, कितना बड़ा है वो। किसी दिन मुझे असली समुंदर देखना है। प्लीज मेरी ये विश पूरी कर दीजिए गॉड। आसमान साफ है। मैं फायरवर्क्स देखने गई मिस्टर कैचिरो के साथ। तामाया! तामाया? वो क्या है? मैं सोचता हूँ। गर्मियाँ अभी भी चल रही है और ये बहुत मजेदार है। पर मैंने एक चीज देखी है, मिस्टर कैचिरो हमेशा अकेले रहते हैं। पता नहीं क्यों। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम तब तक अकेले घर के ख्याल रख सकती हो? मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं अकेले जाना चाहता हूँ।
पता नहीं मिस्टर कैचिरो को क्या फिर से स्माइल करवा सकता है। प्लीज मुझे बता दीजिए गॉड। सुबह हो चुकी है, उठ जाइए अब। हाँ, क्या हुआ? क्या कुछ अच्छा हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। 15th अगस्त, आसमान साफ है। तुम्हारी ट्यून सच में खराब है। इस तरह करो। प्रैक्टिस पूरी होने के बाद मैं मिस्टर कैचिरो को ये गाना सुनाऊंगी। क्योंकि मिस्टर कैचिरो को गाना बहुत पसंद है, वो जरूर इसे पसंद करेंगे। अगस्त 19th, आखिरकार मैंने सही से गाना सीख लिया। अगस्त 23rd, मैं अब इसमें बहुत अच्छी हो चुकी हूँ, गाना मजेदार है। पता नहीं आज मिस्टर कैचिरो को क्या फील हुआ। अब ज्यादा दिन वक्त नहीं लगेगा मिस्टर कैचिरो, प्लीज वेट। लेकिन सो गई थी। ये बुरा हुआ, कपड़े अभी तक नहीं धुले हैं। ये तुम बैंड वापस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं कह रहा हूँ वो इंसिडेंट तुम्हारी गलती नहीं थी, अपने आप को दोष देना बंद। मैं नहीं कर सकता, उस दिन के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं होता, चाहे मैं कोई सा भी सॉन्ग सुन लूं। फ्लावर, वेलकम होम मिस्टर कैचिरो। इस साल जेलीफिश समझने से जल्दी आ गई है, इसलिए बीच सेशन अब खत्म होने वाला है। हे, कोई बात नहीं, हम अगले साल चलेंगे। अगली बार मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि हम हमेशा साथ रहेंगे। मिस्टर कैचिरो, क्या कल आपके पास फ्री टाइम है? हाँ, आज तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? असल में मैं फ्लावर, हे!
हेलो, क्या हो गया है? ओ, क्या तुम बैंड वापस ज्वाइन करने वाले हो? मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या? तुम्हारी कार, क्या तुम मुझे दे सकते हो? क्या तुम देख रही हो? यह समंदर है फ्लावर। फ्लावर, ये म्यूजिक। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वो सुन लिया था। ये मिस्टर कैजीरो का म्यूजिक है, मुझे ये म्यूजिक पसंद है। हे, ये म्यूजिक कितना अच्छा है। तुम इसका लाइव शो क्यों नहीं करते? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जरूर देखूंगी। ये बहुत सुंदर है। फिशेस, ऑक्टोपस, स्क्विड्स, क्लाम्स, यहाँ तक कि समुद्र के सभी ये गाना गा रहे हैं। सी हर्मिट्स भी। मेरे पास आपके और समुंदर के बारे में बहुत सारी जानकारी है। फ्लावर, इसीलिए मुझे आपके घर का एक हिस्सा होने दीजिए, हमेशा के लिए। हम अकेले नहीं है, अगर साथ है। अगस्त 10th, आसमान साफ है। कल मुझे पता चला समुंदर असल में कैसा होता है। मैंने मिस्टर कैचिरो से बाहर जाने के लिए जिद की। अभी के लिए इतना काफी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये टॉयस उधार ली है। एक दिन मैं तुम्हें असली समुद्र जरूर देखने ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। क्या सच में? मैं तैरने की पूरी कोशिश करूंगी, वो जरूर मेरी तारीफ करेंगे। मैं उन दिनों के इंतजार में हूँ। हमारी गर्मियां भी शुरू हुई है। प्लीज मेरे साथ गाना।